दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के घर में अगर आप मनारा चोपड़ा के फैंस हैं और मनारा को घर का नया कैप्टन के तौर पर देख रहे थे, मनारा को कैप्टन बनाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं ये खबर आपको निराश कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनारा चोपड़ा एक बार फिर से कैप्टनसी टास्क को हार चुकी है और अब मनारा नहीं बल्कि घर की नई कैप्टन अंकिता लोखंडे बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अंकिता लोखंडे इस समय घर की नई कप्तान बन चुकी है। दरअसल बात करें कैप्टनसी टास्क की, तो आपको बता दें कि गार्डन एरिया में जो टास्क लगा हुआ था, सेटअप जो लगा हुआ था, उसमें तीन अलग अलग बर्फीले पहाड़ बने हुए थे जो कि तीनों एक्स कैप्टन के थे। इस दौरान दोस्तों तीनों एक्स कैप्टन के हाथ में पावर थी कि वो घर के अंदर होने वाले कैप्टनसी टास्क के दौरान घर वालों को कैप्टनसी की रेस से बाहर कर सके। समय समय पर यहाँ पर घर वालों को इन तीनों एक्स कैप्टन को भड़काना था। इतने में बर्फीला तूफान आता जिसके बाद सभी जो घर वाले हैं वो उनको छुप जाना था, और इसके बाद तीनों जो एक्स कैप्टन है वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हर राउंड में किसको निकालना है। इस प्रकार कुल 5 राउंड हुए हैं, जहां पर पहले राउंड में आयशा खान को कैप्टनसी की रेस से बाहर किया गया, दूसरे राउंड में अरुण भाई को बाहर किया गया, और तीसरे राउंड में ही यहां पर मनारा चोपड़ा को कैप्टनसी की रेस से बाहर कर दिया। चौथे राउंड में चिंटू बाहर हुआ और 5वें राउंड में यहाँ पर विकी जैन बाहर हो गया, जिसके बाद यहाँ पर आखिरी राउंड जो था उसमें अंकिता बच गई। अंकिता लास्ट रही थी, जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे घर की नई कैप्टन बन गई। इस प्रकार दोस्तों कैप्टनसी टास्क के कुल 5 राउंड पूरे हो चुके हैं और अंकिता लोखंडे बिग बॉस के घर की नई कप्तान बन चुकी है। फिलहाल आपका क्या है कहना इस पर, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।